तो गाइस स्वागत है आपका एक और माइनक्राफ्ट के वीडियो में इस चैनल पे। और आज मैं बस्ट करने वाला हूँ 5 माइनक्राफ्ट वाले ढांसू मिथ, जो मैं देखना चाहता हूँ सही है कि नहीं। और बस मेरे साथ है एक्चुअल में, ये देखो ये रहा हीरो ब्राइन। ये किसके ऊपर बैठा है? घोड़े के ऊपर। देखो हेलो बोल रहा है आप सबको, हीरो ब्राइन हेलो बोल दो। देखो हीरो ब्राइन हेलो बोल रहा है। और मेरे साथ स्टीव भी है, स्टीव बुरा मत मानो। देखिए स्टीव भी हेलो बोल रहा है। देखो स्टीव कितना खुश हो रखा है। ठीक है चलो ठीक है, मिथ्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस, देखते हैं कि वो सच है या नहीं। ठीक है तो पहला मिथ है, हीरो ब्रांड एकदम रेडी है। पहला मिथ है गाइस, बोलते हैं कि स्नोई बायोम में, जो स्नो बायोम होती है उसमें वेदर स्पॉन करना नामुमकिन है। स्नो बायोम में वेदर स्पॉन नहीं होता। तो देखते हैं हीरो ब्रांड आओ इधर आओ करके देखते हैं, ऐसे हम वेदर स्पॉन करके देखते हैं, देखते हैं क्या ये सच है कि नहीं। देखो लगाया, अब वेदर वो वेदर स्केलेटन लगाओ। अरे ऐसे नहीं लगाना होता, गलत लगा रहे हो हीरो ब्रांड, ऊपर लगाने होते हैं। ऊपर लगाओ के देखो, लगाओ। हाँ हाँ स्पॉन नहीं हुआ लेकिन गलती हो सकती है। चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं, एक और बार ट्राई कर लेते हैं, फिर से आओ हीरो ब्रांड ट्राई करके देखो। हाँ 1 2 3 नहीं हो रहा ना। हाँ नहीं हो रहा, चलो एक और बार जस्ट इन केस ऑडियंस सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ए ए ए ए और लगाओ हीरो ब्रांड लगा के देखो। अच्छा मैं लगा के देखूँ, चलो ठीक। हाँ मैं लगा रहा हूँ 1 2 3। तो गाइज ये सच है कि स्नो बायोम में विदर स्पॉन नहीं होता है, और स्नो बायोम में विदर स्पॉन करना नामुमकिन है। अब ये पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो, बट ये मिथ सही है। चलिए नेक्स्ट मिथ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइज अब दूसरे मिथ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मिथ ये है, स्टीव तुम पहले ये विदर स्केलेटन वाली, हाँ ये हटाओ सर से हटाओ। हाँ ठीक। तो दूसरा मिथ ये है कि जो विच होती है ना विच, उसको आग फ्लिंट एंड स्टील इन सबसे कोई मतलब उसे डैमेज नहीं होता, वो इनविंसिबल होती है आग लावा इन सबसे। तो हमें वही देखना है कि ये सच है कि नहीं। हीरो ब्राइन एक पूल बनाओ, एक पूल टाइप बनाओ, उसमें वो एक पूल बनाओ और लावा लाट। हाँ बस इतना इतना आई थिंक, अरे इतना गहरा नहीं बनाना है, इसको इसको भरो तो इसको भरो, ये सब तोड़ो। हाँ इसमें लावा भरो, लावा भरो लावा, ठीक है ओके। अब विच जरा इसमें स्पॉन करो, अरे तुम्हें नहीं होगा, हमें विच को देखना, विच स्पॉन करो यहां, देखते हैं सच है कि नहीं। ओके ओ अब समझ आया, ये एक तरीके से सही भी है गलत भी है, क्योंकि विच पोशन पी लेती है फायर रेजिस्टेंस का। अरे मेरे ऊपर फेंक रही, अरे अरे मारो इसे, अरे से मारो। हाँ दुद्दू ला दुद्दू। हाँ चलो गाइस ये वाला मिथ 50-50 सही कह सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरली नहीं है, वो एक पोशन पीती है फायर रेजिस्टेंस वाला, जिससे वो लावा या फ्लिंट स्टील या फायर से रेजिस्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपने देखा था जब हमने उसको लावा में स्पॉन करा तब वो जल रही थी, लेकिन उसने तुरंत पोशन पी लिया था, जैसे ही उसने पोशन पिया वैसे ही वो मतलब रेजिस्टेंस हो गई, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। उसने हम पे पॉइजन भी फेंका ना, है ना। हाँ गंदी कहेंगी। हीरो ब्राइन ऊपर आ जा भाई, कहाँ गया, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। मजाक कर रहे थे हम लोग, सॉरी। हाँ मजाक कर रहे थे, ठीक 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 हटाओ। चलो गाइस अब थर्ड मिथ की तरफ बढ़ते हैं कि वो सच है कि नहीं देखने। ओके तो गाइस अगला मिथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एंडरमैन से रिलेटेड है। हीरो ब्राइन और स्टीव तुम दोनों रेडी हो कि नहीं ये बताओ, ठीक है ओके। हमारे पास में दो दो एंडरमैन है, मैं किसी एक की तरफ देखता हूँ। और बताए मिथ क्या है कि अगर हम एंडरमैन की टांगों पे अटैक करें तो वो टेलीपोर्ट नहीं होते हैं, तो हमें यही देखना है। ठीक है चलो फिर इस वाले एंडरमैन की आंखों में देखते हैं। आ रहा है ये किधर गया, आ जा आ जा आ जा। अगर मैं इसे ऐसे मारूं, ठीक है ये देखो इसकी टांगों में मार रहे, अरे तो मर गया सॉरी। दूसरा का है, तुम क्या कर रहे हो यार स्टीव। हाँ ये रहा, इसकी आंखों में देखते हैं, ठीक अभी टेलीपोर्ट हुआ, ठीक हो ये टेलीपोर्ट हो, ये टेलीपोर्ट होगा ठीक, लेकिन अगर इसकी टांगों में मारे तो ये टेलीपोर्ट नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला लॉजिकल भी है। क्यों हीरो ब्राइन देखे जरा बुक में क्या लिखे हो, बुक में कुछ लिखा हीरो ब्राइन ने, वाओ हाँ ये वाला सही है, ये वाला मैंने खुद देखा है, ये ज्यादा लोगों को पता नहीं है लेकिन एक्चुअल में दिस इज ट्रूथ, कि अगर आप एंडरमैन जो है आपको दौड़ा रहा है इसकी टांगों में मारोगे तो वो टेलीपोर्ट नहीं होता, मतलब होता है लेकिन कुछ देर के लिए नहीं होता है, तो आप उसको टांगों में मार मार के उसे रोक सकते हो। जैसे बेसिकली ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, एक चीज दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं स्टीव एक काम करना, मैं पानी में जा रहा हूँ और यहाँ पे एंडरमैन स्पॉन करो, यहाँ पे स्पॉन करो ठीक। अब देखो इसकी आंखों में देख रहा हूँ, ठीक अभी देखो टेलीपोर्ट हुआ। अरे हीरो ब्राइन मत, अरे हीरो ब्राइन, अरे इतने सारे नहीं, अब देखो सब टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं, देखो ये तो टेलीपोर्ट हो रहे हैं ठीक, लेकिन अगर मैं इसकी टांगों में मारूं
ये देखो अभी टेलीपोर्ट नहीं होगा, ये देखो ये वाला टेलीपोर्ट नहीं हुआ, ध्यान दिया। पानी में गिरने में टेलीपोर्ट होते हैं क्योंकि पानी में अल्टीमेटली वो रुक नहीं सकते, लेकिन जमीन पे जब तक आप, जैसे ये देखो ये वाला है, ये टेलीपोर्ट हुआ, लेकिन ये देखो इसकी टांगों में मार रहूंगा लेकिन वो वाला टेलीपोर्ट हो जाएगा, देखना इनकी टांगों में मारो तो टेलीपोर्ट नहीं होते हैं ये भाई। ये देखो ये एकदम सही है, एकदम सही है याला मित, एकदम सही है। एंड आई बेट ये काफी लोगों को आप में से पता नहीं होगा। चलो ठीक है, अब क्या कर रहे हो, मार रहे हो सबको। चलो फिर अगले मित की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मित क्या है। ठीक है गाइस, तो गाइस अगला मित ये कि लोग बोलते हैं अगर आप शील्ड एकदम ऑन करके अपने सामने रखे हो और आपकी तरफ कोई पोशन फेंक रहा है, कोई पोशन ऑफ पॉइजन या कोई भी पोशन, तो शील्ड उस पोशन के इफेक्ट को ब्लॉक कर लेती है। देखो स्टीव बैठा हीरो ब्रैंड पता नहीं कहां घुसा, नीचे घुस गया। खैर तो स्टीव तुम रेडी हो इस वाले मिथ को ट्राई करने के लिए, तो तुम यहां खड़े हो जाओ शील्ड एकदम ऑन करके, शील्ड एकदम सामने करके। हीरो ब्रैंड ऊपर आओ भाई, हीरो ब्रैंड ऊपर आ जा। हाँ ठीक ओके, इसको लगाओ और देखो कोई पोशन ऑफ पॉइजन फेंकना और देखना इस पे इफेक्ट होता है कि नहीं। मैं थोड़ा दूर हो जाओ, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, थोड़ा दूर हो जाओ, रुक जाओ, अब फेंकना, फेंको फेंको, अरे उसके शील्ड पे फेंको, अरे गलत फेंक रहे हो, दूध पी भाई। स्टीव शील्ड ऑन कर, शील्ड पे सामने फेंकना, मुंह पे नहीं। ओके हाँ ये प्रूव हो चुका है, ये मिथ गलत है कि आप जितना भी शील्ड लगा लो, जो लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके ऊपर पोशन फेंका गया है तो आपके इफेक्ट लगेगा और मुझे भी लग गया। हीरो ब्रैंड बहुत शैतान है, इसको मानने का मन करता ही भाग गया। खैर जाने दो इसे, हम लोग अगला मिथ ट्राई करते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस फिर देखते हैं कि अगला वाला मिथ क्या है। अगला मिथ ये है कि लोग बोलते हैं कि आप लावा बकेट से भी मतलब ये पता नहीं सच है कि नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। लोग बोलते हैं लावा बकेट से भी एमएलजी करी जा सकती है, तुम लोग को क्या लगता है? हीरो ब्रैंड बोल रहा है अब तुम्हारे लिए तो हर चीज पॉसिबल है, तुम्हें थोड़ा यकीन हो रहा है स्टीव? हाँ नहीं तो ठीक है, लावा बकेट दो, देखे मरूंगा मरूंगा जीऊंगा जीऊंगा। ठीक है लाओ दे दो। अरे ये क्या कर रहे हो, पोशन दे दिया तो इसका फिर लॉजिक ही खत्म हो गया ना। चलो ठीक है, फायर रेजिस्टेंट पोशन दे दिया, लेकिन देखते हैं क्या ये सच है कि नहीं। चलो फिर 3 2 अरे 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 मैं पानी में गिरा हूँ आके यार। अच्छा ठीक है ओके, चलो फिर हटो, मुझे देखने दो। देखते लावा से एमएलजी होती कि नहीं, मैं फिर से ट्राई करना चाहूंगा। हटो 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 हटो, देखने दो। अरे हीरो ब्रैंड हटो ना, मुझे देखने दो, स्टीव उड़ रहा है, ये क्रिएटिव मोड रहा है। चलो फिर मैं भी देखता हूँ। ठीक हीरो ब्रैंड तुम्हें कुछ नहीं होगा, डैमेज हमें लगता है। चलो फिर देखे, चलो एक और बार अपनी संतुष्टि के लिए मैं ये फिर से ट्राई करूंगा, एक बार ये आला भी खा लेता हूँ, देखते हैं। चलो फिर इस पे कूदते हैं, नहीं होती यार, लो इससे देख लेते हैं, मैं गलत कर रहा हूं, नहीं होती। तो गाइज ये थे आज के 5 माइनक्राफ्ट मिथ जो मैंने सॉल्व करे हीरो ब्राइन और ये स्टीव की मदद से। इवन दो ये दे बोथ वर यूजलेस, सब कुछ मैंने करा, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तुम दोनों गुस्सा हो नहीं, मैं भाग रहा हूँ लावा फेंकने के चक्कर में। हीरो ब्राइन मैं भाग रहा हूँ। चलो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हीरो ब्राइन और स्टीव गुस्सा आ गए, दोनों उड़ रहे हैं, दोनों क्रिएटिव मोड में मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि मेरे पास भी क्रिएटिव मोड है, मैं निकल रहा हूँ, बाय।